हम यहाँ पर सरकार को पहले आज से 3 महीने पहले अल्टीमेटम दे रखा था कि सरकार के जो किसानों के खिलाफ जो 3 नए कानून बनाए गए हैं, अभी अभी पीछे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको हटवाने के लिए, क्योंकि वो जो कानून बनाए गए हैं वो हिंदुस्तान को जो गरीब जनता है वो तो पहली महंगाई की मार के नीचे आई हुई है। ये एक और बड़ा फैसला सरकार का कि आने वाले समय के विच अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, जो कारपोरेट घराने हैं वो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा देंगे कि आम जनता का जीवन ठप हो जाएगा। हम तो सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि बहुत दिनों से, आज 22 रोज हो गए, किसान और हमारे जितने भाई बहन माताएं हैं वो सड़कों पे रात गुजार रहे हैं, बहुत कठिन है, लेकिन ये पंजाबी हौसले वाले हैं, मज़े मुस्कराते हुए कट रहे हैं टाइम, लेकिन सरकार को अपना फ़र्ज समझना चाहिए, ये काले कानून जो हैं वो वापस करने चाहिए, और जो जितने हमारे जो लाखों की गिनती में यहाँ पर हमारे किसान माँ बाप भाई बहन बुजुर्ग बैठे हैं उनको सेफली घर पहुँचना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी बनती है जी। किसानों के अत्याचार कम नहीं उससे बल्कि बढ़ रहे हैं, जो अत्याचार में किसान पहले जी रहे थे उनमें कुछ अपना खुश थे, लेकिन जो अत्याचार अब बढ़ रहे हैं उनमें और भी किसान दुखी होते जा रहे हैं, और भी दुख उनका बढ़ रहा है, और उनको खाने पीने की व्यवस्था के लिए बहुत दिक्कत आ रही है आगे, वो दिक्कतें हमें नहीं चाहिए। सरकार से तो जिहड़े काले कानून लेके आए सरकार से उही मंगा हैगियां साडी, काले कानून ते ठोकते किसानां ते ते उन्हां नूं रद्द करवाउण वास्ते आए हैं। हम 26 तारीख से यहाँ बैठे हैं, लगभग हमें 23 दिन हो गए हैं, और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि ये जो 3 काले अध्याय इन्होंने पास किए हैं इनको जल्द से जल्द वापस किया जाए, ताकि जनता को जो असुविधा हो रही है वो उसके लिए सही होके अपने घर जा सके। सरकार जो 3 कानून लागू कर रही है ना, वो उनको बोल रही है कि ये किसान के हितैषी हैं, जबकि ये हम लोगों के लिए पूरा फ्यूचर आगे का जो प्लानिंग किया हुआ है वो ख़त्म कर देगी, हमारे बच्चों के जो आने वाला भविष्य है उसको ख़त्म कर देगी, हम लोगों को खेती से दूर कर देगी। हम इधर चुप करके नहीं छोड़ेंगे, इधर बैठे रहेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे, बिल तीनों रद्द करा के ही जाएंगे। हम आगे तब तक बढ़ते रहेंगे, हम हार नहीं मानने वालों में से और ना ही हार मानेंगे। इनू ता जे अपना हिंदुस्तान बचाना, इनू हराओ, इनू वोटा ना पाओ, ਇਹਦਾ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇਹ ਮੰਗੇ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ 3 ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਕੋ ਚਾਹੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੇ, ਹਮੇ ਉਨ ਬਿੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇ MSP ਚਾਹੀਏ, किसान MSP के बिना कैसे फसल बेच सकता है, वो तो अपने ठेकेदारों को बेच रहे हैं। किसान 25 रुपए किलो गेहूं बेचने को कह रहे हैं, वो 2500 रुपए किलो बेचने तक तुले हैं, हम तो देश की भलाई मांग रहे हैं, किसान का इसमें क्या कसूर है, वो फिर भी हमारे हक नहीं दे रहे। जिसने वोट दे के बनाया उनका कोई हक नहीं, कोई बात नहीं सुनते, सिर्फ जैसे मोदी जी कहीं बाहर आ नहीं रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे, कहीं नहीं आ रहे, सिर्फ ऊपर से ही बात हो रही है फ़ोन से ही, कोई सब अबानी डानी जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। कहने नाले भी मैं आ कर देता वो कर देता, इधर तो बहुत चिरदा करी गया, पहले 2 महीने चलता रहा पंजाब झंझार से, इधर तो करी जाता, हूँ वो सब को कही जाता, ठीक है ना, हूँ सुप्रीम कोर्ट च पाया, हूँ इनू भी कह रहे हैं ये अमल नहीं करना, कोई आ नहीं करना, ये नहीं करना, हूँ जो ओदी मर्जी ने थोड़ी मरना, साड़ी जनता की भी है जी सड़क पर पई है इन्नी ठंड च, उन्हें भी अपना सोचना कोई, जेड़े घर बार छड़ के आए अपना सारा कुछ। ये तो सारे भारत ने भी देख लिया, वर्ल्ड में भी हो गया, ये तो बहुत नाइंसाफी हुई है हमारे साथ, हरियाणा सरकार ने, खट्टर ने बहुत बुरा किया हम लोगों के साथ, लाठी चार्ज किए, पानी किए, बिछाड़े जो किए, बहुत माड़ा गया, निंदनयोग है, ऐसा नहीं चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, पंजाब के चाहे गट गिनती है सिखों की, लेकिन सबसे बड़ी हिंदुस्तानी भारत को आज़ाद कराने में इसकी अब तक भी सबसे जो कुर्बानी है वो सिखों की है, इन्होंने हमारी राजधानी में आने के लिए रुका है, तो बहुत बुरी बात है, हम इस देश के वसनीक हैं, इस देश के रहने वाले हैं, हमसे ऐसा नहीं वितकरा करना चाहिए इनको। हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि किसान के हितैषी है, हम लोग आज का ही आपको उदाहरण देना चाहते हैं, बिग बाज़ार में
4300 रुपये कनक गेहूँ बिक रहा है तो खरीद कितना हो रहा है 1925 रुपये गवर्नमेंट का, और मक्की का आटा कितना है 150 रुपये, 150 रुपये पर केजी बिक रहा है। ये रिलायंस के वहाँ बिक रहा है, जो गोदाम है इनके शोरूम है वहाँ पे आज बिक रहा है, और आने वाले समय में कितना महंगा बिकेगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये हमारे लिए कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, इसमें उन लोगों का फायदा है, वो लोग बनाएंगे उनका फायदा होगा, उन्हें उससे प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें इससे नुकसान ही नुकसान है, हमें ये नहीं चाहिए। जिहड़ी चीज किसान नूं लोड़ ही नहीं है उस नूं धक्के नाल देवे, किसान की उस तो मंगदा है, जो चीज मंगदा है वो दिंदा भी नहीं है, धक्के नाल दे रहा है, धक्के नाल किसान नूं लोड़ भी की है उस चीज की, उस चीज की कोई लोड़ नहीं है किसानों नूं। मोदी जी जब से बने हैं तब से मन की बात कर रहे हैं, पर उन्होंने कभी किसानों की बात नहीं की आज तक। आपने आप सभी दर्शकों ने सारे शो देखे होंगे, पर उसने कभी किसानों के मन की बात नहीं कही, उसको ग्राउंड लेवल का तो पता ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसान कैसे खेती कर रहा है, किन मुश्किलों से गुजर रहा है। दो दिन पहले रख रहे थे जदों साढ़े देश के विच एक पासे असी कहने साढ़े कोल है कुछ नहीं, किसानों अद्धा गल कुटन लगे असी, दूजे पासे जदों संसद साढ़े को पहला है वह भी कम चला सकते हैं जे सानू लोड़ हो, 1000 करोड़ रुपया वो खर्च रहे हैं कि वो तो कोई जरूरत नहीं सी उहदे ते खर्चा करन दी, ते पहला साढ़े देश नूं असी अगे लैके जाइए उदों बाद जो मर्जी बनाओ। जिहड़ा मोदी सरकार ने आपदे देखो आपदे एक बंदा किन्ना पैसा खर्च रहा, दे इन्ना ही पैसा जे आम जनता नूं देवे तां जनता खुशहाल हो सकती है, एक बंदे दा खर्चा किन्ने करोड़ां अरबां जनता नूं मिल सकता है ते जनता खुशहाल हो सकती है। जब इनको पता है कि देश का अन्नदाता भूखा मर रहा है, देश का मजदूर बिल्कुल लाचार हो चुका है, देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि हर पासे त्राई त्राई हो रही है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, ये अपना शिलान्यास करके इतना 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं अपने ऐशो आराम के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ही बेबुनियादी है, फजूल खर्ची है। जो उन्होंने मूर्तियां बनवाई हैं, सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई है, थोड़ी कम बनवा देते उससे सारे देश की आर्थिकता को विकास हो सकता था उतने पैसे से। असी तो पहला भी तो हूँ भी शांतमई छिघाट च करते हैं, तो ना कोई खरूद ना कोई होर किसी तरह का नहीं, ये तो गौरमेंट कर रही साढ़े से, वो शांति नहीं सानू रखन दिंदी ते वो सानू उल्ट पासे तोड़दी, असी हजे भी नहीं जाते उस पासे, अभी तो शांतमई हाँ, कोई यहोजा विचार नहीं, ना ही कोई अतवादी हाँ ना कोई असी होर हैं, असी तो किसान हैं, किसानों के पुत हैं, ठीक है ना, वो तो वह किसान है। सरकार दियां मारू नीतियां ने, सरकार की सोच वधिया नहीं हैगी, तो जिद्दां दी सरकार आई है कोई ना कोई मुद्दा लेके आउंदी है, कदे नोटबंदी लियाई ते कदे करोना लियाई ते हुण आ नवे GST लेके आई ते आ नवे हुण काले कानून लियाई। हम लोग पंजाब से आए हैं, हरियाणा में इतने बैरिकेडिंग क्यों हुआ था, क्या हम पंजाब में रहने वाले कोई दूसरा देश है, इसी देश का एक हिस्सा है, फिर भी ये लोग ऐसे बैरिकेडिंग कर रहे हैं जैसे पंजाब एक इस देश का हिस्सा ना होकर कोई दूसरा सूबा मतलब दूसरा देश हो। हरियाणा में कम से कम 5 या 6 जगह बैरिकेडिंग की गई, इतने भारी भरकम बैरिकेड लगाए गए कि हम लोगों को दिल्ली में घुसना नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट का आपने बयान देखा ही होगा, ये लोग बोल रहे हैं कि ये किसान इसको मेन हाईवे को रोक नहीं सकते हैं, जबकि रोका इन लोगों ने हमें दिल्ली में जाने से, हम लोगों ने रोड नहीं रोके हैं, इन लोगों ने हमें दिल्ली में एंटर करने से रोका है। वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, हमारा तो 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक, तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, पहले पूंजीपतियों ने इनके लिए काम किया, इनको पैसे दिए इकट्ठे करके, अब ये पूंजीपतियों के पीछे सरकार जो आज 10 लाख किसान जहाँ पर बैठा है उसकी सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ 200 जो कारपोरेट घराने लगभग 200 के लागे शागे
उनकी सुनने के लिए सरकार जिदे नहीं मोदी सरकार आई है पहला तो ऐसे थी कि मोदी सरकार खनी किसानों को खुशहाल करेगी हर वर्ग को भी खुशहाली आएगी पर इन्नी माड़ी सोच वाला मोदी सरकार है तो यही जी कोई सोच भी नहीं सकता ना कोई अज तक प्रधानमंत्री आया तो ना मैं तो लगता भी आना भी नहीं है जिड्डी एड्डी माड़ी सोच वाला प्रधानमंत्री आ झूठा झूठा नरेंद्र मोदी बिल्कुल झूठा है झूठे दे अहलकार ने जो झूठे ने ते एक भी गल उहदी सच्ची नहीं पहला कहिंदा सी वी कला मैं धन कला धन लियाऊंगा किसानां नूं खुशहाल करूंगा भी आम जनता दे 15-15 लाख खताना किसानां दे खाते च डालूंगा माइयां नूं कहिंदा ते ओह किसानां दे खातें च तां की पाउणा ते जो खाते खुलवा ले जिहड़े छोटे गरीब बंदे गरीब जनानियां ते 500-500 रुपया 1000-1000 रुपया उहनां दे जेबां चों कढ़ा के खातें च पै गया उहनां नूं आपदी दवाई बूटी वास्ते भी रुपया नहीं मिलया हैगा। मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा ना अंबानी और अडानी से फंडिंग करा के उनके फायदे के लिए जबरदस्ती थोपा जा रहा है जबकि उनको भी पता है कि ये किसान हितैषी नहीं है। वो खुद भी 5-6 बार मीटिंग हो चुकी है किसान लीडर से वहाँ पे वो खुद भी उनके मुँह से निकल जाता है कि ये अंबानी और अडानी के लिए बनाया गया है ये व्यापारी बनाया गया है। हम इस किसान आंदोलन में इसलिए आए हैं क्योंकि ये मोदी सरकार हमारे खेत खोना चाहती है अंबानी अडानी को सारा खेत देना चाहती है जैसे कि सारा देश ही अभी देखिए आप बेच दिया रेल भी देना चाह रहे हैं एयरवेज 3 एयरपोर्ट 50 साल के लिए भी दे दिया हमको अंबानी अडानी को अभी ये पंजाब की बिजली को भी देना चाह रहे हैं ये सब कुछ बेच देना चाहे सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं पर प्राइवेट करने से कोई बात नहीं बनेगी। वो तो जूँ छड़कती नहीं जी वो तो जूँ हूँ नहीं छड़की अज 22 दिन सानू बैठे हो गए ठीक है ना दो महीने पंजाब जो गए रेलां बंद टोल प्लाजे बंद सारा को बंद ठीक है ना ते इत्थे सवेर नूं 2 घंटे आ के देखे जिमीदारां दा क्या हाल हुंदा जां ठंड लगदी है ठंडी हवा सारी रात चलदी आ एक बार उदे आ के खड़ जावे इदां कोलों लंघ के सड़के ते देख लवे की हाल हुंदा किसानां दा दोलना है संतमई दोलना हैगा कोई किसे को देखो कितना अज 22 दिन हो गए किसे को नुकसान नहीं करिया पंजाब में घट तो घट 3 महीना हो गया किसे को नुकसान नहीं करिया आप संतमई धरना दे रहे ने ते ये तो देखो बहुत निंदन योग है गल ते बहुत मंदभागी गल है जो किसानां नूं लाठीचार्ज करता है जबरदस्ती करता है ते किसानां नूं ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हां नूं जदों असीं आए हां पानी पत्तर इन्हां ने सोनी पत्तर सड़क पट दित्ती सी ओह भी जवानां ने हत्थां नाल पूर दित्ती है गोलेबाजी भी साढ़े पर चली है लाठीचार्ज भी होया है अत्याचार तो कैसे नहीं है अत्याचार जब कोई भी हम बॉर्डर पार करते हैं तो उस पे पानी क्यों बौछारें आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज हुआ है पर फिर भी हमने शांतमय तरीके से उसको पार किया ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है हमें अपने देश की राजधानी में दाखिल नहीं होने दे रहे हमारा क्या कसूर है हम तो अपने हक मांग रहे हैं ना बिल्कुल भी नहीं अत्याचार आगे से भी बढ़ हैं क्योंकि वो कोई साथ नहीं देते कोई खुद इंटरेस्ट नहीं पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते वो पंजाब में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते बाकी स्टेटों में तो गुजरात अपनी स्टेट को बढ़ाना जाते हैं वो कुछ जो गोदी मीडिया हुआ है वध चढ़ा के गल्ला बता रहा है पर वैसे कोई बात नहीं सब किसान ही है यहाँ पे सभी किसान है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आतंकवादी है आतंकवाद फैलाने आया ऐसा कोई भी नहीं है सभी जो भी यहाँ पे आ रखे हैं सभी लोग किसान हैं और अपने हक के लिए आए हैं उन्हें अपना हक चाहिए वो उन्हें अपना हक मिल जाएगा तो वो यहाँ से चले जाएंगे। हमारी तो गोदी मीडिया से ये अपील है कि आप ग्राउंड पे आके तो देखिए वहाँ पे बैठ के अपने घर पे ही बैठे बैठे जो ऑपरेट कर रहे हैं हमें खालिस्तानी नक्सलवादी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं हम लोगों को बहुत दुख लगता है कि इस देश को हम कितना अन्न उगा के खिला चुके हैं आज तक इनके बच्चे पाल रहे हैं जो आज हमें खालिस्तानी बोल रहे हैं आतंकवादी बोल रहे हैं हमें बहुत दुख लगता है ये बातें सुन के हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक अपना आंदोलन प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और मोदी जी से बस यही मांगे हैं कि 3 ये कानून अध्यादेश वापस लें हम लोगों को और कोई दिक्कत नहीं हम उसी दिन वापस चले जाएंगे। जो भी प्रोटेस्ट जो अपने हक की मांग करता है उनको वो आतंकवादी बोल देते हैं कुछ भी बोल देते हैं ये तो यही कहना भी मोदी नू यही है भी जिहड़े 3 कानून है साढ़े वापस ले जाण छेती तो छेती असीं अपने घरां नू जाइए अपने बच्चों को रहिए अपने खेतों काम करिए अभी तो खेतों रहने वाले बाहर हैं तो बच्चे भी साढ़े खेतों रहने वाले आ असीं आतंकवादी किदा होंगे किदा बणांगे ठीक है ना साडा तो कम च वेह लैनी
अज असी 3 महीने हो गए कम छड़ के सड़क ते बैठे हैं, ठीक है ना। साडा कम भी लेट हो रहा, सारा कुछ बर्बाद हो रहा। तो वो मोदी तो कह रहा भी मेरा बर्बाद हो रहा, साडा जिमीदारा ज्यादा बर्बाद हो रहा, जिहड़ा ही छड़ के सड़क ते बैठे हैं कम करन वाले, जो छोटे तो छोटा बच्चा भी साडा खेती च कम करता साडे नाल जिमीदारां लई, ठीक है ना। ये तो जब तक हमारे जो तीनों कानून है जो रद्द नहीं हो जाते उतनी देर तक ये संघर्ष जारी है, क्योंकि किसान जो है वो बिल्कुल अपने हकों वास्ते साढ़े एक किसानों के इकले किसानों के हक नहीं है, किसानों की लोड़ नहीं है कल्या की, ये पूरे हिंदुस्तान के जो भी नागरिक है इतों का भारत का उन्होंने सारे की ये लोड़ है, क्योंकि इन दड़िया काले कानून ने यह सरमाएदारी बढ़ावा देने वास्ते जो साड़ी आने वाले बाकी जिस तरह तुहाडा भी है भावें कोई देखो रुजगार कर रहे हैं उन्होंने भी इन्होंने चीज़ों का असर पैना, क्योंकि जो कारपोरेट घराने ने इन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार सातों जो अनाज आडा लैके रख लेना, वो अपने राज्य इन्नी इन्होंने छूट दिती गई है कि वह स्टोरेज उन्नी समय तक कर सकते हैं जिनी देर वह रेट डबल नहीं हो जाता। जो रेट डबल होने तो बाद उन्होंने सानू वो बेचना, उदों फिर सानू 120 रुपये किलो चौल मिलेंगे, 130 रुपये किलो कणक का आटा मिलेगा, इस तरह मक्की का आटा मिलेगा पैकेटों के इन्हां दे मोलां दे विच जावांगे, उत्थों जाके सानू वो पैकेट लियाउणे पैणगे ते वो आम बंदे दी पहुँच तो बाहर हो जूगा। इस करके जो पंजाब का किसान वो कल्ले किसान अपने वास्ते नहीं फिरदा, वो पूरे हिंदुस्तान के जिन्ने भारत के नागरिक ने भावें कोई दुकानदार है भावें कोई बिजनेसमैन है हर कोई पेट भरन वास्ते खाना खाता, और ये लोग ने जिहड़े वो सानू साडी पहुँच तो बाहर कर देंगे वो खाने नूं जदों इन्हां दे सिर्फ किसानों पर सब पर बड़े हुए हैं। पहले GST आ गई, फिर नोटबंदी हो गई, फिर 370 आ गया, अब ये आ गया इस साल, कुछ ना कुछ आता ही आ रहा है, जब से आए हुए कुछ ना कुछ लेते ही आ रहे हैं। फायदे कितने वास्ते अभी धरना कहूँ लाते जो फायदा होंगे साढ़े वास्ते, फायदा ही चाहते ही नहीं। हाँ किसी सरकार को ही मानते हैं वो, कल पहला इतों स्टेज पर परसों देख गए सारे लोगों का हाल चाल, इस रास्ते गए हैं गड्डी च देखते गए हैं, लोगों नूं थले पए देखते गए हैं, बुढ़े बच्चे रड़े थे इन्नी ठंड च गए हैं, क्योंकि उन्होंने जाके ये सहार नहीं होया, उन्होंने ये झल नहीं होया दुख साडा जिमीदारां दा, उन्हें यह समझा भी मैं ये योगदान की पा सकदा, उन्हें अपनी जिहड़ी जिंदगी है लेखे लाती है, उन्हें कहा भी होर साडे को मेरे को कुछ नहीं है, मैं जिहड़ी अपनी जिंदगी है ये लेखे ला दूँ जिहड़ा मेरा एक दुनिया ते नौ रहे। बाबा राम सिंह जी ने अपने जो नोट उन्होंने लिखिया सी खुदकशी का नोट उन्होंने जिहड़ा लिखिया गोली मारन ते, उन्होंने उहदे विच लिखिया सी कि मैं किसानों का दुख नहीं दे सकता, जे उन्होंने इस गल का दुख होया कि साडा किसान आ जिहड़ा रुलदा फिरदा, देश का किसान देश का अन्नदाता जिहड़ा सड़कां ते रुलदा फिरदा, उन्होंने मन में उहदी ठेस लगी तो उन्होंने एडा बड़ा स्टैप लिया। पर बड़ी शर्म की गल आ कि साड़ी जिहड़े मोदी सरकार आ ये गूंगे बहरे अन्ने बोले हो के बैठे ने, इन्हां नूं कोई फिक्र नहीं कि देश दे विच की हो रहा, और ये आने वाले समय दे विच मैनू ये लगता कि जे मोदी सरकार ने इन्हां किसानां दीआं ये मंगा ना मनिया जां किसानां ते जिस तरह अज लाठीचार्ज भी कल दे दिन दे विच होया जे इस तरह करते रहे, मेरे ख्याल च देश दे हालात वध तो वध तर करके मोदी सरकार रहूगी, जिहदी जिम्मेवार मोदी सरकार होगी। मैं तो यह भी कहूँगा भी जिन्नियां इस संघर्ष के विच शहादतां हो रही ने साडे किसान शहीद हो रहे हैं उन्हां वास्ते जिहड़ी भारत की सरकार है वह जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने इस गल नूं 30 दिन तो 26 दिन तो इतने ना 21-22 दिन तो इतने बैठे हाँ असी, उदों पहलां 2 महीने पंजाब दे विच बैठे रहे हैं, इस सरकार ने कोई लोड़ नहीं समझी कि असी इन्हां दे संघर्ष नूं हल करके किसी पासे लाइए, तां कि साडियां जिहड़ियां अजाई शहादतां होईयां ने साडे परिवारां दीआं दे दीवे बुझे ने परिवारों के इकलौते बच्चों दीआं जानां गईआं ने, जे सरकार दे कन्न ते जूं सरकदी जां इह पहलां इस वास्ते गंभीर होंदे तां उह सानूं समस्यावां नहीं सी आउणियां। सरकार तो जी ऐसे ही मौन रहेगी, क्योंकि सरकार तो पूंजीपतियों के लिए बनी हुई है और पूंजीपतियों को ही बनाना चाहती है, किसानों को तो वो बर्बाद ही करना चाहती है। हमारे बाबा जी ने हमारे लिए शहादत दी, हमें उन्हें सारी जिंदगी याद रखेंगे, हम उनको प्रणाम करते हैं। लिखा है शरीर का मरना मौत नहीं है, जमीर का मरना मौत
बात है, मतलब कि शरीर से मरना सिर्फ मौत नहीं होती, अगर तो आपका जमीर जिंदा है तभी आप जिंदा हो। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो 3 ऑर्डिनेंस है वो रद्द करे, हम तब जाएंगे। ये सरकार को सोचना है, तब कितना टाइम लगेगा उसको रद्द करने का, तब तक हम इधर बैठे हैं। सरकार को यही बोलना चाहते हैं, हक देवे, हक मंगन आए, हक दे दे, आए चले जाएंगे। हम तो ऐसे ही शांतमयी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे बस।